नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 29 नवंबर दिन बुधवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर बिहार के शिक्षक शाम पाँच बजे के बाद ही कर सकेंगे ये काम राज्य के इन जिलों में लगेगा नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला दो पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ की रिलीज डेट आई सामने परिणय सूत्र में दिव्या सिंह के साथ बंधे बिहार के क्रिकेटर मुकेश कुमार सत्रहवे दिन मिली बड़ी सफलता इकतालीस मजदूरों को सही सलामत निकाला गया बाहर चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निन्यानवे रिक्त पदों पर निकली भर्ती हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मैनेजर डिप्टी मैनेजर चीफ प्रोजेक्ट सुप्रिंटेंडेंट डिप्टी प्रोजेक्ट ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीनियर एडवाइजर सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के निन्यानवे पदों पर भर्ती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट डब्ल्यू पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है हालांकि कुछ पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2024 तक तय की गई है इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यताएं निर्धारित की गई है ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो एक बार जारी किए गए सूचना को जरूर देख लें बिहार के शिक्षक शाम पांच बजे के बाद ही कर सकेंगे ये काम बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के द्वारा बिहार के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश दिया गया है जिसके तहत अब शिक्षकों को चुनावी कार्यों में ड्यूटी स्कूल टाइम में नहीं लग सकेगी यानी कि अब शिक्षक चुनाव से जुड़े कार्य शाम पाँच बजे के बाद ही कर सकते हैं मालूम हो कि संबंध में अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है इसमें स्पष्ट इस तौर पर कहा गया है की अगर आवश्यकता पड़ती है तो चुनावी ड्यूटी में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों को लगाया जा सकता है हालांकि उनकी ड्यूटी शाम पाँच बजे के बाद ही लगाई जा सकती है ताकि स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो सके वही उन्होंने पत्र में कहा है की यह बताना आवश्यक है की चुनाव का कार्य करने के लिए उन्हें अलग ऐसी मानदेय मिलता है ऐसे में उन्हें इस चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त घंटे काम करना पड़े तो उक्त कर्मी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए मालूम हो कि इन दिनों के के पाठक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बड़ी दरगाह के बारे में नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर में स्थित महान सूफी हजरत मखदूम शेख सरफुद्दीन अहमद यहीया मनेरी रहमतुल्ला अलह का मजार है जिसे बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है इनका जन्म पटना के मनेर नामक स्थान में हुआ था इन्होंने जात पात के भेदभाव से अलग उठकर मानव समुदाय की सेवा की खातिर अपने जीवन को समर्पित किया था आज के दौर में इनके इस मजार पर सभी धर्म और समुदाय के लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं और उनकी मुरादे पूरी होती है यहाँ प्रतिवर्ष ईद के पांचवे दिन से पांच दिनों का उर्स मेला लगता है जहां देश विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन आकर बाबा के मज़ार पर चादर पोशी कर मनते मांगते हैं इनके द्वारा लिखी गई कई बेहतरीन किताबें आज भी खानका में मौजूद है उर्स मेला के दौरान यहां पर परंपरागत तरीके से कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है

टाकिया को घर बुलाकर कर बनवाए जीवन प्रमाण पत्र अब आप घर बैठे बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं दरअसल 1 दिसंबर 2023 से डाक विभाग के द्वारा एक सेवा की शुरुआत की जाने वाली है जिसके तहत घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र निर्गत करवाया जाएगा बता दें कि घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सत्तर रूपए शुल्क के तौर पर चुकाने होंगे हालांकि आपको मालूम हो की डाक घरों में यह सेवा मुफ्त में लोगो को उपलब्ध करवाई जाती है वही सबके अलावा अगर आप इंटरनेट उपयोग करते हैं तो तो आपके लिए और भी अच्छी खबर है आप घर बैठे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यू आई ए के माध्यम से खुद अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं वो भी मुफ्त में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत सभी डाकघरों को कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि इसके माध्यम से सुदूर गाँव में भी ग्रामीणों को डाक सुविधाओं का लाभ मिल सके राज्य के इन जिलों में लगेगा नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला दो अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें की राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है दरअसल राज्य के सुपौल जिले के संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनाल नियर आई आई कैंपस में एक दिसम्बर दो को जिला स्तरीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जाने वाला है जानकारी के लिए शून्य छ चार सात तीन दो दो तीन शून्य पाँच पाँच आरोप सम्पर्क किया जा सकता है वहीं इसके अलावा 4 दिसंबर 2023 को मधेपुरा के संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नौ नौ तीन नौ चार चार सात दो दो नौ और आठ शून्य पाँच शून्य एक आठ शून्य तीन नौ शून्य पर संपर्क करें वहीं सात और आठ दिसंबर 2023 को सहरसा के आउटडोर स्टेडियम में दो दिवसीय प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाने वाला है इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नौ दो शून्य पाँच शून्य छह आठ तीन दो शून्य और सात चार आठ आठ पाँच चार पाँच नौ दो छे पर संपर्क कर सकते हैं बता दें कि इस रोजगार मेला में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी का एन पोर्टल एस टी टी पी कोलम स्लैश लेस एन सी एस डॉट जी ओ वी डॉट इन पर निबंधन होना अनिवार्य है जिसकी सुविधा आयोजन स्थल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी वहीं सभी रोजगार मेला का समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित किया गया है विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला के नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं चांद और सूरज के बाद अब इसरो की नज़र शुक्र पर चंद्रयान तीन और आदित्य एल एक मिशन के बाद अब इसरो की नजर शुक्र मिशन पर है बता दें कि भारत का यह मिशन अन्य अंतरराष्ट्रीय मिशन के नक्शे कदम पर चलेगा जो नासा और ईएसए के द्वारा वर्ष दो के दशक के लिए तैयार किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो का यह मिशन शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करने से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से इस मिशन का उद्देश्य शुक्र का व्यापक अध्ययन करना है मालूम हो की इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के द्वारा हाल ही में कहा गया था की शुक्र मिशन को कॉन्फिगर किया गया है और परियोजना के लिए पोलेड विकसित किया गया है हालांकि अब तक इसरो की की ओर से इस मिशन के लॉन्च होने तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है इसरो के द्वारा शुक्र में इसलिए इतनी दिलचस्पी दिखाई जा रही क्योंकि इसरो का मानना है कि पृथ्वी एक दिन शुक्र हो सकती है और शुक्र के अध्ययन से यह जानकारी मिल सकती है की हमारा पृथ्वी कहाँ जा रहा है बिहार में भूजल के स्तर की होगी कोडिंग बनेगा अलग प्लान राज्य भर में अब भूजल में लगातार हो रही गिरावट एवं हर घर नल का जल योजना की खराबी को दूर करने के लिए पीएचईडी के प्रशिक्षित अधिकारी के द्वारा चार जोन में बढ़कर क्रिटिकल जोन की पहचान कर कोडिंग किया जाएगा जिससे कि यह पहचान हो जाएगी कि नल जल योजना का लाभुकों को किन कारणों से पानी नहीं पहुंच पा रहा बता दें इन सभी समस्याओं को लेकर एक माइक्रो रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे मालूम हो की इसको लेकर विभाग सहायक और कन्या अभियंता को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा जिसके बाद वे अपने अपने जोन में भूजल गिरावट की निगरानी कर और योजना संबंधी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपेंगे पीएचईडी अधिकारियों के मुताबिक जिन जिलों में हर साल मार्च से अगस्त तक पानी टैंकर से पहुंचाना पड़ता है उनमें गया मुंगेर भागलपुर बांका कैमोर शेखपुरा लखीसराय बेगूसराय पश्चिम चंपारण नालंदा जहानाबाद और औरंगाबाद के कुछ वार्ड शामिल है वही सीतामढ़ी समस्तीपुर मधुबनी दरभंगा जैसे इलाकों के नब्बे से वार्डो में जल संकट बढ़ा है पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ की रिलीज डेट आई सामने बीते दिन मंगलवार को बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक है के चार अलग अलग पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें वो हुबहु अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नजर आ रहे हैं वहीं अब यह भी घोषणा कर दी गई है की यह फिल्म सिनेमाघरों में कब रिलीज होने वाली है जिसके तहत यह फिल्म अगले साल यानी की वर्ष दो में उन्नीस जनवरी को रिलीज होगी बता दें कि इस फिल्म के पोस्टर को खुद पंकज त्रिपाठी के द्वारा शेयर किया गया है और लिखा गया है कि सोने का दल इस बात का आदमी एक बहुमुखी कवि नए भारत के पीछे दूरदर्शी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी का गवाह बने मैं अटल हूं उन्नीस जनवरी 2024 को सिनेमा घरों में बता दें कि सबके अलावा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म का ट्रेलर पच्चीस दिसम्बर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके आरोप जारी किया जा सकता है मालूम हो की इस फिल्म का निर्देशन रवि जाधव के द्वारा किया गया है मुर्गी पालन करने जा रहे हैं तो जान ले यह नया नियम अगर आप मुर्गी पालन करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अनुसार किसी आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर कोई पोल्ट्री फार्म नहीं होगा यानी कि 125 मीटर की परिधि में आबादी शून्य होनी चाहिए इसके अलावा बृहद जल स्रोत से इसकी दूरी कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए एन से 100, सौ एस एच ऐसी व ग्रामीण सड़कों से कम से कम 10 मीटर की दूरी अनिवार्य है वहीं पोल्ट्री फॉर्म के शेड से चार दीवारी की भी दूरी दस मीटर होनी चाहिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाँच या इससे अधिक के कुकुट की पालन के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अभय कुमार के बारे में अभय कुमार एक भारतीय राजनयिक और कवि हैं। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से रिवर वैली टू सिलोकोन वैली भी एक है वे पृथ्वी गान के रचयिता हैं। दक्षिण भारतीय कविता क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सार्क लिटरेरी अवार्ड प्राप्त है भारतीय राजनयिक अभय कुमार द्वारा लिखा गया पृथ्वी गान शीर्षक कविता का यूनेस्को द्वारा पूरी दुनिया में प्रसार किया गया है उनकी कविता में हिंदुस्तानी अंग्रेजी नेपाली बांग्ला पस्तो उर्दू सोनहाली जोगंखा और दिवेही भाषाओं की पंक्तियां शामिल की गई है पृथ्वी गान का लोकार्पण साल जून 2013 में पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और पूर्व मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने नई दिल्ली के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में किया था इसके बाद काठमांडू में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल ने यूनेस्को के नेपाल में प्रतिनिधि एक्सल प्लेथ की मौजूदगी में इसे जारी किया था पृथ्वी गान का दुनिया की कई प्रमुख भाषाओं में अनुवाद किया गया है बता दें कि अभय कुमार को वर्ष 2013 में स्टार्क लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित और पुष्कट पुरस्कार के लिए नामित किया गया था सीएम नीतिश 30 नवंबर को राजगीर महोत्सव का करेंगे उद्घाटन नालंदा के राजगीर में 30 नवंबर से शुरू होने वाले राजगीर महोत्सव 2023 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाने वाला है बता दें कि यह महोत्सव 30 नवंबर से तीन दिनों के लिए चलने वाला है ऐसे में इसको लेकर तैयारियां जोरो जो शोरों से की जा रही है जिसमें जर्मन हैंगर पंगोड़ा आकर्षक तोरण द्वार मंच इत्यादि का निर्माण कार्य शामिल है वही इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें जावेद अली ऐश्वर्या निगम समेत कई कलाकार भाग लेने वाले हैं इन सबके अलावा इस महोत्सव के अंतर्गत महिला महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा जो की एक और दो दिसम्बर को राजगीर के सर्कस मैदान में होगा इसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा जिसमे रंगोली प्रतियोगिता पेंटिंग प्रतियोगिता मेहंदी एवं क्विज प्रतियोगिता स्पून रेस प्रतियोगिता और फैशन शो प्रतियोगिता के नाम शामिल हैं। मालूम हो कि इन सभी प्रतियोगिता में सरकारी और निजी विद्यालयों के आठवीं से बारहवीं वर्ग की बालिकाएं भाग लेंगी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने छुट्टियों में कटौती को लेकर लिखा पत्र वर्ष 2024 में स्कूलों में होने वाली छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए कैलेंडर ऐसी राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा है इसी कड़ी में अब बिहार शिक्षक संघ महा के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुन प्रसाद सिंह के द्वारा भी इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है जिसमे कहा गया है की नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की आपकी सदीक्षा पूर्ण घोषणाओं के बावजूद कार्य रूप देने में बहुत विलम्ब किया जा रहा है इसके साथ ही दूरी और आपके आदेश के प्रतिकूल स्कूलों को पहले से मिलती आ रही कई छुट्टियों को रद्द कर एक विशेष धारा समुदाय की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा उन्होंने कहा कि शिक्षकों के ग्रीष्म विकास को शिक्षक अभिभावक मीटिंग के नाम पर रद्द करना सरासर अव्यवहारिक है क्योंकि शिक्षक गर्मी छुट्टी के 30 दिन अभिभावक से क्यों मिलेंगे एक तरफ राज्य कर्मियों के लिए वर्ष 2024 में कुल इकहत्तर दिनों की छुट्टी का प्रावधान किया गया है तो वही दूसरी ओर शिक्षकों के लिए वर्ष दो में कुल मात्र उन्तीस दिनों की छुट्टी का प्रावधान किया गया है इसलिए हमारी मांग है की पूर्व के अनुरूप पुनः सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए राज्य हित में उक्त छुट्टियों में की गई कटौती को संशोधित करने से। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत शुष्क बागवानी कार्यक्रम के लिए ऐसे कड़े आवेदन अगर आप किसान हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि अगर आप आंवला नींबू बेल या कटहल की खेती करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बिहार सरकार की ओर से अनुदान का लाभ मिल सकता है दरअसल बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा आई पर एक पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है की फसल विविधीकरण योजना के अंतर्गत शुष्क बागवानी कार्यक्रम का भी किसानों को लाभ दिया जा रहा बता दे की प्रति हेक्टेयर चार आंवला या नींबू के पौधे और प्रति हेक्टेयर सौ बेल कटहल के पौधे लगाए जाते हैं तो सरकार की ओर से अनुदान के रूप में किसानों को कुल लागत का 50 प्रतिशत दिया जाता है हालांकि प्रति हेक्टेयर लागत पचास हजार रूपए आनी चाहिए मालूम हो की इस योजना का लाभ जिन जिलों को मिलेगा उनमें गया जमुई मुंगेर नवादा औरंगाबाद कैमूर और रोहतास जिला शामिल है ऐसे में वो किसान जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह विभागीय वेबसाइट एस हॉर्टीकल्चर डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन उपलब्ध फसल विविधीकरण योजना के आवेदन करे लिंक पर आए और जरूरी विवरणियों की प्रविष्टि करते हुए आवेदन कर सकते हैं बता दें कि आवेदन की शुरुआत आज यानी कि 29 नवंबर से हो रही है जाने क्यों रेल की पटरी के किनारे लिखा होता है सीफा और डब्ल्यूएल ट्रेन से सफर करने के दौरान आपने कई बार देखा होगा कि रास्ते में कई रेलवे सिंबल्स होते हैं जिनमें से कईयों के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं होती लेकिन मालूम हो कि इस सभी सिंबल सुरक्षा को लेकर काफी महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें से कई बार हमें पटरी के किनारे कई जगहों पर स्पीड इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो आमतौर पर येलो रंग के ट्राइंगुलर बोर्ड पर लिखा होता है वही कई बार आपके डब्लू वाला बोर्ड भी दिखा होगा जिसका मतलब होता है की उस इलाके में जब भी ट्रेन पहुंचे तो ड्राइवर हॉर्न जरूर दे वही डब्लू हिंदी में सीफा लिखा जाता है जिसका मतलब होता है सीटी बजाओ फाटक कई बार सफर करते दौरान आपकी नज़र येलो कलर में एक्सपर्ट पड़ी होगी इसकी मदद से साइन से पीछे से आ रही रेलगाड़ियों को आगे खतरा होने की जानकारी मिलती है इसके अलावा रेलवे लाइन के किनारे येलो बोर्ड पर टीपी या टीजी भी लिखा होता है जिसमें टीपी का मतलब पैसेंजर ट्रेनों के लिए स्पीड कम करना है और टीजी का मतलब मालगाड़ी की गति को लेकर लिखा जाता है सूत्र में दिव्या सिंह के साथ बंधे बिहार के क्रिकेटर मुकेश कुमार बिहार के गोपालगंज के रहने वाले भारतीय क्रिकेटर मुकेश कुमार बीते दिन छपरा के बनियापुर बेरोई गांव की रहने वाली दिव्या सिंह के साथ परिणय सूत्र में बन गए बता दें कि इन दोनों की शादी गोरखपुर के एक होटल में आयोजित की गई वहीं से पहले सोमवार को गोरखपुर में ही हल्दी की रस्म भी पूरी की गई थी अब आने वाले चार दिसम्बर को इनका बहुभोज होगा जिसका आयोजन गोपालगंज के काकरकुंडा में होगा मालूम हो, हो की मुकेश कुमार की शादी में बाराती के रूप में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी और सेलिब्रिटी गोरखपुर पहुंचे थे वही मुकेश कुमार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जिसमें वो अपने हल्दी के रस्म में अपने सगे संबंधियों और कुछ दोस्तों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं इस वीडियो में उनकी पत्नी दिव्या सिंह भी महिलाओं के साथ डांस करती नजर आई दिव्या सिंह और मुकेश कुमार की सगाई फरवरी महीने में ही गोपालगंज के एक होटल में हुई थी ये दोनों करीबी दोस्त रहे हैं बिहार में बढ़ने लगी ठंड बारिश की संभावना बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इस दौरान राज्य के पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है बता दें की मौसम विभाग के अनुसार आज यानी की उन्तीस नवम्बर को सिवान सारण बक्सर रोहतास कैमूर औरंगाबाद और गया जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसके बाद 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से औसत एक किलोमीटर ऊपर उत्तर मध्य प्रदेश के पास बना हुआ है जिस वजह से बारिश के आसार जताए जा रहे हैं हालांकि इन दिनों दोपहर के समय धूप निकल रही है लेकिन सुबह और शाम मौसम सर्द रहने लगा है वही आने वाले तीन से चार दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी अनोखे अंदाज में दिखेगा पटना संग्रहालय बहुत जल्दी पटना संग्रहालय एकदम अनोखे और अलग अंदाज में देखने को मिलने वाला है दरअसल पटना संग्रहालय का चिन्होद्वार किया जा रहा बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दो महीने के दौरान इसका शुभारंभ होने के साथ लोगों को प्रदेश की लोक संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी बिहार संग्रहालय के महानिदेशक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है की बहुत जल्दी लोगो को नई गैलरी का दीदार करने का अवसर मिलेगा वही दो नई मूर्तियों के लिए बाघ भी बनाए जा रहे हैं इसके अलावा संग्रहालय में रखी प्राचीन पांडु लिपियों और कलाकृतियों का संरक्षण का गैलरी भी प्रदर्शित किया जाएगा वहीं एलईडी स्क्रीन के जरिए लोगों को संग्रहालय की प्राकृतिक दरगाह राहुल दरगाह धातु कला दरगाह बुद्ध अस्थि कला दरगाह समेत अन्य दरगाहों में रखी कलाकृतियों और पुरावशेष का स्क्रीन के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा बता दी वर्तमान में लगभग एक करोड़ की लागत से बने नए भवन का कार्य पूरा हो चुका है सत्रहवें दिन मिली बड़ी सफलता इकतालीस मजदूरों को सही सलामत निकाला गया बाहर उत्तर काशी टनल हादसे के सत्रहवे दिन इकतालीस मजदूरों को सही सलामत टनल से बाहर निकाल लिया गया वहीं सभी मजदूरों का स्वागत सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा माला पहनाकर किया गया मालूम हो के सभी मजदूर 12 नवंबर से टनल में फंसे हुए थे सुरंग के 200 मीटर के अंदर के हिस्से की मिट्टी अचानक धस गई थी इससे राहत टीम और मजदूरों के बीच साठ फुट मलबे की एक दीवार बन गई थी लेकिन अब मजदूर को सकुशल बाहर निकालकर डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है वहीं मजदूरों के बाहर आने से उनके परिजनों में काफी खुशी का माहौल है बता दें कि इन मजदूरों को बाहर निकलवाने में सबसे अहम भूमिका रैट माइनर्स के द्वारा निभाई गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा गया है की इकतालीस मजदूरों को एक एक लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी बांका में एक बोतल विदेशी शराब जब्त बिहार में पूर्ण रूप ऐसी शराबबंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कोशिश भी की जा रही बता दी की ताजा मामला बांका का है जहाँ चांदन कटोरिया पक्की सड़क आरोप राम थोड़ा आगे एक सुनसान जंगल इलाके में खड़ी एक लावारिस एम्बुलेंस में तलाशी के दौरान बियर की कई पेटी बरामद की गयी बता दी की पेटी ऐसी 1324 बोतल बरामद किए गए हैं वहीं इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गया मालूम हो कि एम्बुलेंस पर दर्ज नंबर पटना का बताया जा रहा है ऐसे में पुलिस के द्वारा अब इस रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके मालिक का सही पता लगाने का कार्य किया जा रहा बता दें इस बात की जानकारी थाना अध्यक्ष विष्णुदेव कुमार के द्वारा दी गयी है चिराग पासवान का पशुपति पारस को झटका बीते दिन रामविलास पासवान द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात लोजपा के स्थापना दिवस के मौके पर जमुई के सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के द्वारा अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को तगड़ा झटका दिया गया है दरअसल पारस गुट की वैशाली सांसद वीना देवी के द्वारा चिराग पासवान का दामन थाम लिया गया मालूम हो कि लोजपा के बंटवारे के वक्त वीना देवी के द्वारा पशुपति कुमार पारस का साथ दिया गया था लेकिन अब स्थापना दिवस के मौके पर अचानक से पाला बदल लिया गया मालूम हो कि दोनों नेता अक्सर हाजीपुर में जनसंपर्क करते देखे जाते हैं इस बीच वीना देवी के पाला बदलने से चिराग को जहाँ ताकत मिली है वही पारस को झटका लगा है आरक्षण की मांग को लेकर वी करेगी बड़ी रैली वी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा बीते दिन जानकारी देते हुए बताया गया कि उनकी पार्टी के द्वारा आरक्षण की मांग को लेकर यूपी और बिहार के 14 जगहों पर जनसभा आयोजित किए जाएंगे जिसके तहत आज यानी कि 29 नवंबर को शिवर में रैली की जाएगी तो वहीं 30 नवंबर को सहरसा दरभंगा में एक दिसंबर को पलामू में दो दिसंबर को जौनपुर और उत्तर प्रदेश और कैमूर में तीन दिसंबर को भागलपुर और मुंगेर में चार दिसंबर को साहिबगंज और नवगछी भागलपुर में छह दिसंबर को बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम लगातार एक सप्ताह तक चलेगा उन्होंने कहा कि अगर बंगाल दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा तो मेरा कहना है कि बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश में आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा जब देश एक है प्रधानमंत्री एक है गृह मंत्री एक है, है संविधान एक है तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा आखिर पचहत्तर साल ऐसी क्यों बेवकूफ बनने का काम किया जा रहा है छुट्टियों में कटौती पर सम्राट चौधरी के सीएम नीतीश को चेतावनी बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जारी किए गए कैलेंडर से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है बता दें कि इसको लेकर विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है इसी कड़ी में अब बीते दिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दरभंगा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरोप हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार तुष्टिकरण बंद करे सनातन धर्म के तिरासी परसेंट लोग पूरी तरह जागरूक हैं अगर बिहार में नीतीश कुमार सरकार चलाना चाहते हैं तो मैं चेतावनी देता हूं कि अगर एक भी हिंदू के पर्व को आप अपमानित करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करेगी उन्होंने कहा कि की बीजेपी की ओर से छुट्टियों की कटौती को लेकर पूरे बिहार में सीएम का पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज दिल्ली के बादशाह आलमगीर द्वितीय की सत्रह में हत्या हुई बेंगलुरु के लालबाग गार्डन में अठारह में ग्लास हाउस की आधारशिला रखी गई भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने उन्नीस में भारत में शामिल होने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना चाहा हरियाणा 1970 में 100 फीसदी ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्नीस में इस्तीफा दिया कर्नल कुरु बाताल के नेतृत्व में भारतीय सैन्य दस्ते ने उन्नीस में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सेना यूनिफेस में नॉर्वे के दस्ते का स्थान ग्रहण किया महाराष्ट्र के उन्नीस में नारायण गाँव में विश्व का सबसे बड़ा मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप खुला तक बाबूलाल गौर 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे सात घंटे ऑपरेशन के बाद कमांडो ने 2008 में मुंबई को आतंकियों से मुक्त कराया भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने पांचवी महिला ए आई बी ए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती अपनी सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बापा का जन्म अठारह में हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शायर अली सरदार जाफरी का जन्म 1913 में हुआ परमवीर चक्र से सम्मानित गुरबचन सिंह सालारिया का जन्म 1935 में हुआ सोलवा मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का निधन सत्रह में हुआ कवि एवं समाचार प्रसारक ओंकार नाथ श्रीवास्तव का निधन दो में हुआ असमिया की ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका इंदिरा गोस्वामी का निधन दो में हुआ वरलखंड में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप डीलरशिप के बारे में दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप डीलरशिप की पेशकश करने का दावा करती है पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है की यह वेबसाइट फेक है रिटेल आउटलेट डीलरशिप आरोप प्रमाणिक और आधिकारिक जानकारी के लिए एस टी टी स्लैश पेट्रोल पंप डीलर चयन डॉट इन पर जाए व्हाट्सएप चैट में जल्द ही दिखेगी ये जानकारी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए व्हाट्सएप समय समय पर ऐप में नए अपडेट देते रहती है इसी बीच कंपनी के एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रही जो फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के पास उपलब्ध है दरअसल कंपनी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चैट विंडो में लास्ट सीन के अलावा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए काम कर रही है यानी नए फीचर के तहत आपको चैट विंडो में यूजर के लास्ट सीन के अलावा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन भी दिखेगी साथ ही यूजर लास्ट सीन और प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के बीच स्विच कर पाएंगे लास्ट सीन आपको तब दिखेगा जब सामने वाले व्यक्ति और आपने इसे ऑन किया होगा चैट विंडो से किसी यूजर की स्थिति को तुरंत जांचने की क्षमता वास्तव में उपयोगी है क्योंकि अब आपको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए स्क्रीन को टैप और खोलने की आवश्यकता नहीं होगी और आप ये बाहर से ही देखने में सक्षम होंगे इससे आपको यूजर्स के नए स्टेटस भी दिखते रहेंगे फिलहाल ये अपडेट व्हाट्सएप के डेवलपमेंट आरोप नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट डब्ल्यू ए बीटा इन्फो ने शेयर की है हम प्रतिदिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपा कर करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताए हमारा पहला सवाल है हाल ही में किसने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है ऑप्शन ए बसंत कुमार मलिक ऑप्शन बी राजेंद्र मेनन ऑप्शन सी मुकेश शाह ऑप्शन डी न्यायमूर्ति विवेक चौधरी इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति विवेक चौधरी अगला सवाल हाल ही में किसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ऑप्शन बी ढोली स्टेशन ऑप्शन सी प्रयागराज स्टेशन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन अगला सवाल हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मिल योजना शुरू की है ऑप्शन ए बिहार ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश अगला सवाल हाल ही में भारतीय मूल के किसने स्वीडन में आयोजित यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है ऑप्शन ए जयदीप आर्य ऑप्शन बी ईश्वर शर्मा ऑप्शन सी निहाल सरीन ऑप्शन डी तानिया सचदेव इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वर शर्मा बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राज उमेश दीपक कुमार रंजीत सिंह अनुष्का कुमारी राजीव कुमार विकास दास ए एस दिनेश के के राजकिशोर महतो पंकज कुमार दास गोनर शर्मा अतीक खान सुरेश कुमार मोहम्मद अफजल मंसूरी मोहम्मद सकीर हुसैन इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में से कौन उचित उम्मीदवार होंगे अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब ऐसी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक ऐसी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले धन्यवाद